हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बीपीएससी का 2022 का सिलेबस दोस्तों क्या है, जो कि पिछले साल से दोस्तों कुछ इसका सिलेबस चेंजेस है। मैं आपको 2022 का सिलेबस बता रहा हूं इस वीडियो में दोस्तों, तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं अच्छी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस वीडियो में बीपीएससी का सिलेबस बताने वाला हूं, जो कि 2022 का दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बीपीएससी क्या है इस टाइप के एक वीडियो बनाए हैं, उसमें बहुत सारे जानकारी दिए हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी सिलेबस का। तो बीपीएससी में कितने एग्जाम होते हैं ये चीज मैंने उस वीडियो में बता दी है, तो वो समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से प्रीलियम्स एग्जाम के बारे में पहले बताएंगे, इसके बाद मेंस एग्जाम के बारे में बताएंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रीलियम्स एग्जाम का। तो बीपीएससी के सिलेबस में प्रीलियम्स एग्जाम दोस्तों आपको देना ही पड़ता है, जो कि फर्स्ट एग्जाम जिसको पीटी या पीई एग्जाम के नाम से जाना जाता है, तो आप प्रीलियम्स एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है प्रीलियम्स एग्जाम में 150 मिलेगा, 150 और 150 मार्क का जो है दोस्तों आपका एग्जाम होगा। अब दोस्तों सब्जेक्ट के बात कर लेते हैं प्रीलियम्स एग्जाम का। तो सब्जेक्ट दोस्तों जनरल एसटीजी मतलब समान अध्ययन रहता है। समय का बात कर लेते हैं तो 2 आवर्स रहता है, मतलब 2 घंटा इसके लिए समय दिया जाता है प्रीलियम्स एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रीलियम्स एग्जाम 150 में प्रश्न कहाँ से रहता है, तो ये भी मैं इस वीडियो में ही बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्रश्न रहता है बीपीएससी का प्रीलियम्स एग्जाम में। तो पहला दोस्तों सामान्य विज्ञान से जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दूसरा नंबर में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना के बारे में, जो कि करंट अफेयर से ये भी रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन रहता है। थर्ड नंबर में दोस्तों भारत इतिहास और बिहार इतिहास के बारे में आपको जानकारी रख लेना है, इतिहास के बारे में अच्छे तरह से बीपीएससी का सिलेबस है। फोर्थ नंबर में दोस्तों भारत भूगोल, बिहार भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, तीनों को जानकारी रखना है। फाइव नंबर में दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, और सिक्स नंबर में बिहार का अर्थव्यवस्था आपको जान लेना है। इसमें भारत का अर्थव्यवस्था बहुत कम ही पूछता है, लेकिन बिहार का अर्थव्यवस्था ज्यादा ही पूछते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछते रहता है, आंदोलन सब जितना भारत में हुआ है उस सब के बारे में इसमें चर्चा रहेगा। 8 नंबर में दोस्तों है समान योग्यता या योगदान प्लस करेंट अफेयर से क्वेश्चन देगा। दोस्तों 150 क्वेश्चन प्रीलियम्स एग्जाम का जो है इन्हीं 8 चैप्टर से दोस्तों रहता है। अगर आप इन 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप प्रीलियम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों मेंस के एग्जाम पे। मेंस के एग्जाम दोस्तों 1000 मार्क का होता है, और मेंस के एग्जाम 1000 मार्क्स में दोस्तों प्रश्न कहाँ से आते हैं वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी का 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको निबंध रहता है 30 नंबर का, व्याकरण रहता है 30 मार्क का, वाक विन्यास रहता है 25 मार्क का, और सारांश रहता है 25 मार्क का। तो ये आपको हिंदी है, लेकिन हिंदी में दोस्तों कुछ करेक्ट एरिया भी दिया गया है। सामान्य हिंदी में 100 में 30 अंक नहीं लाने पर मेंस का कोई एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जब आप मेंस का फर्स्ट एग्जाम दोगे हिंदी, तो आपको जो है 100 में 30 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आपको सेकेंड मेंस का एग्जाम जो पेपर होता है उसको देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में कॉन्सेशन में 30 अंक जो है लाना कंपलसरी है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। आगे में दोस्तों जीएस पेपर 1 है, जो कि 300 मार्क का होता है, और इसके लिए भी टाइम दिया जाता है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 में क्या चीज रहता है। तो इसमें दोस्तों आधुनिक इतिहास रहता है, जिसमें तीनों इतिहास सब के बारे में जानकारी रखना है, विश्व इतिहास के बारे में भी जानकारी रखना है। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व, घटना वर्तमान में जो जो हुआ रहेगा वो भी इस पेपर में रहेगा।
इसके बाद थर्ड नंबर में रहेगा भारतीय आंदोलन, जैसे गांधी जी सब, रविन्द्रनाथ टैगोर सब, बहुत सारे भगत सिंह सब आंदोलन में भाग लिए हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखना है। और फोर्थ नंबर में आपको सांख्यिकी विश्लेषण ग्राफ और आरेख, ये दोस्तों मैथमेटिक्स टाइप से थोड़ा थोड़ा आसान टाइप से रहेगा क्वेश्चन, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। ये जीएस पेपर वन के लिए है जो कि 300 नंबर का होता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में जीएस पेपर सेकंड का जो कि 300 नंबर का, ये भी मेंस होता है, तो ये भी 3 घंटा यह दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं भारतीय राजनीतिक और बिहार का राजनीतिक के बारे में आपको जानना रहता है। इसमें दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है और थर्ड नंबर में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल भी पढ़ना है और विज्ञान प्लस रिसर्च, विज्ञान में जितना रिसर्च होते रहते हैं वो चीज आपको जीएस का सेकेंड पेपर में पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं वैकल्पिक पेपर का जो कि थर्ड नंबर में होता है, ये भी 300 मार्क का होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों 34 सब्जेक्ट रहता है जिसमें से आपको एक ही सब्जेक्ट लेना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जो कि 34 ठो रहता है, आपको जो मर्जी वो आप चूज कर सकते हैं, तो ये चीज भी होता है 300 नंबर का एग्जाम। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू का बात कर लेते हैं, तो इंटरव्यू 120 मार्क का रहेगा आपको बीपीएससी एग्जाम में। अब मार्क के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में जो है हम 150 नंबर का बोले हुए थे और मेंस एग्जाम 1000 का और इंटरव्यू एग्जाम जो है 120 मार्क का होता है, टोटल मार्क जो है 1270 मार्क होता है। अब आगे फिर बात कर लेते हैं रैंक का निर्धारण के बारे में, तो दोस्तों रैंक का निर्धारण मेंस और इंटरव्यू से होता है, मेंस में 900 नंबर का और इंटरव्यू में 120 नंबर का, टोटल 1020 नंबर का ही एग्जाम होता है यहाँ पे जो रैंक निर्धारण होता है उसके लिए। और मार्क कहाँ पे गया तो वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ से। दोस्तों आपको प्रीलिम्स एग्जाम का मार्क जो है ये वाला मार्क आपको ज्वाइंट नहीं होगा, प्रीलिम्स एग्जाम में आप कट ऑफ लाओ चाहे 150 में 150 लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसका मार्क ज्वाइंट नहीं होगा। अब मेंस एग्जाम का जो है 1000 एग्जाम का 900 क्यों ज्वाइंट होता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं, मैंने पिछले पेज में बताए हुए थे 100 नंबर का हिंदी है जिसमें आपको 30 अंक लाना पड़ता है, तो आप ये वाला मार्क भी आपको नहीं ज्वाइंट होता है 100 नंबर हिंदी का, तो आपको 900 नंबर बच गया, तो मेंस का जो है यहाँ पे 900 वही ज्वाइंट होता है। अब 120 जो है आपको इंटरव्यू लेता है तो आपको वही 120 मार्क जो है ज्वाइंट हो जाता है, टोटल 1270 मार्क में 1020 मार्क जो है आपको रैंक निर्धारण करने के लिए होता है। अब हम गेस किए हैं कि 1020 मार्क में अगर आपको 500 प्लस मार्क होने पर रिजल्ट हो जाएगा बीपीएससी में दोस्तों, तो ये चीज जो है हम आपको समझा दी है बीपीएससी का सिलेबस क्या है दोस्तों। इस एग्जाम में मैंने सिलेबस में वीडियो बताए हुए थे कि एक वीडियो बनाए हैं, तो यही वो वीडियो है बीपीएससी के बारे में, बाकी आप ये चीज नहीं समझे हैं वीडियो में तो उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बीपीएससी का सिलेबस रहता है, तो आई होप मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कॉमेंट कीजिए।